तहसील कार्यालय ऊना में घुसकर एक व्यक्ति ने तहसीलदार पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने तहसीलदार से जमकर मारपीट की। शोर मचाने पर कार्यालय के कर्मचारियों ने तहसीलदार को किसी तरह आरोपी के चंगुल से छुड़वाया। आरोपी कर्मचारियों को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को तहसील कार्यालय के पास पकड़ लिया। आरोपी की पहचान भावुक पराशर निवासी कृष्णा कॉलोनी ऊना के रूप में हुई है। मामले की शिकायत तहसीलदार विजय राय ने ऊना पुलिस के पास दी है। तहसीलदार ऊना विजय राय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 2 मार्च सोमवार को दोपहर 3 बजे के करीब भावुक पराशर नाम का एक व्यक्ति उनके कार्यालय में आकर किसी काम को करवाने के लिए उन पर दबाव बनाने लगा। तहसील कार्यालय में कुछ अन्य लोग भी दस्तावेज लेने और राजस्व विभाग से जुड़े कार्य करवाने के तहसीलदार के पास पहुंचे थे। इस दौरान तहसीलदार ने कार्यालय में आए भावुक पराशर को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा। इस दौरान आरोपी 4:15 बजे के करीब दोबारा से तहसील कार्यालय में पहुंच गया और तहसीलदार से करीब 13 से 14 रजिस्ट्री की नकल तैयार करके उसी समय देने के लिए कहने लगा। तहसीलदार ने कहा कि नकल तैयार करने के लिए कुछ समय लगेगा, क्योंकि नकल रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों से तैयार की जाएगी। संयुक्त पटवार कानून गोसंग की कड़ी नींद आए इतना कहते ही आरोपी तहसीलदार पर भड़क गया और उसने तहसीलदार के सिर में अपने सिर से टक्कर मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। मारपीट में उनकी कमीज के बटन भी टूट गए और शरीर पर कई जगह चोटें भी आई हैं। तहसीलदार ने जिला प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की है। उधर डीएसपी अशोक वर्मा का कहना है कि पुलिस ने तहसीलदार रूना की शिकायत के आधार पर आरोपी भावुक पराशर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।